गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगी कुछ बहुत ही अमेजिंग कंट्रीज में आप मूव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर लेबर शॉर्टेज है, तो आप कैसे मूव कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। लास्ट तक आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेगी जिससे आप यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो मूव कर सकते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने बताया है कि कुछ कंट्रीज में जो है वो ह्यूज लेबर शॉर्टेज है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जैसे जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, पोर्चुगल हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, यहाँ पर ह्यूज लेबर शॉर्टेज है। दैट मीन्स इंडियंस अब मूव कर सकते हैं इन कंट्रीज में। पर कुछ कंट्रीज इनमें से जैसे कि जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है जर्मन है, तो अगर आप पहले से ही जर्मन सीख लेते हो तो ये एक एडवांटेज है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, तीन ऐसी कंट्रीज जिसमें जर्मन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें आप कैसे मूव कर सकते हैं, क्या तरीके हैं। इसी के साथ आज मैं थैंक यू बोलूंगी इस वीडियो के स्पॉन्सर को, जो कि है आईटकी। तो अगर आप इंडिया से ही जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं तो जर्मन सीखना एक एडवांटेज है। तो आईटकी जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप जर्मन सीख सकते हैं, जो कि नेटिव स्पीकर्स हैं, नेटिव टीचर्स हैं उनके साथ। जिस भी टीचर से सेशन लेना है आप इंट्रो में देख सकते हैं, जैसे मैं 10 सेकंड का इंट्रो दिखाती हूँ आपको, आप देख सकते हैं कि उन टीचर्स को कितना एक्सपीरियंस है और आप वो सेशंस ले सकते हैं, ट्रायल सेशंस ले सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, कि आप बिगनर हैं या फिर आपको एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपेयर करना है या सिर्फ आपको कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं विद वन ऑफ द टॉप जर्मन टीचर्स। बेस्ट पार्ट ऑफ आईटकी इज़ यू कैन हैव 1-to-1 पर्सनलाइज सेशन, कमिटेड टीचर्स हैं और इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आपको जब भी स्टार्ट करना है यू कैन स्टार्ट विथ अ सेशन, और जब भी आपको ऐसा लगता है यू नीड अ ब्रेक तो आप ब्रेक ले सकते हैं, एंड जब आपको रीस्टार्ट करना है तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये जो कमिटेड टीचर्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे अगर आपको फ्लुएंट होना है, क्योंकि आप उनके साथ जो है वो लाइव इंट्रैक्शंस कर सकते हैं सेशन के दौरान। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको मैं स्पेशल ऑफर यहाँ पर दे रही हूँ, अगर आप 10 यूरो का सेशन बुक करेंगे तो आपको 5 यूरो जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं इंडियन गर्ल, या लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन पे है जो आपको आईटकी के पेज पर जाएगा। तो पहले आप जर्मन जो है वो सीखना स्टार्ट कर दो। अब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, कि स्विट्जरलैंड में मूव करने के कौन से तरीके हैं हम इंडियंस को। वैसे अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है वो मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट कंट्री है। रीज़न इज़ कि वो बहुत ही सीनिक है, नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है वहाँ पर, हम सबको पता है ये। DDLJ देखने के बाद तो वहाँ पर टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो बहुत सारे जाने लगे। पर इसके अलावा भी स्विट्जरलैंड में बहुत सारी ऐसी बात है जिसकी वजह से इंडियंस जो है या इमिग्रेंट्स जो है वो मूव करना चाहते हैं स्विट्जरलैंड में। जो कि हम बात करें तो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ पर, क्वालिटी लाइफ है और बेटर हेल्थ केयर सिस्टम है, और ऑफ कोर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसकी वजह से इंडियन के लिए ये स्विट्जरलैंड जो है वन ऑफ द डेस्टिनेशन होती है जो कि वो मूव करना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड जो है वो EU का पार्ट नहीं है, बट फिर भी शेंगेन वीज़ा के अंदर आता है, तो आपको उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। बट अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें तो टूरिस्ट वीज़ा में सिर्फ आप 90 डेज तक ही स्विट्जरलैंड में रह सकते हो, और आप उस दौरान जो है वो कोई भी काम नहीं कर सकते। ऐसे में अगर आपको काम के लिए मूव करना है या और किसी तरीके से मूव करना है तो कौन से ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। आपको मैं कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाहती, बट मैं आपको बता देती हूँ स्विट्जरलैंड में वर्क मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो इम्पॉसिबल है, बिकॉज शॉर्टेज है वहाँ पर ऐसी स्किल्स की जहाँ पर हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए। एक तो तरीका है जो कि है टेम्प्ररी रेसिडेंस परमिट, जो कि होगा अगर आप वर्क वीज़ा पे आए हुए हो, फैमिली वीज़ा पे आए हुए हो या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हो। सेकेंड चीज़ हो जाती है जो कि है परमानेंट रेसिडेंट परमिट, जो कि है स्विस सी वीज़ा जनरली, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलता है एंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी, तभी आपको मिलता है। तो एक और बात, परमानेंट रेसिडेंट स्विट्जरलैंड में मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है।
अब सबसे पहले बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड वर्क वीज़ा में। आई थिंक आप लोग भी इसी में इंटरेस्टेड हो गए। ये जो है ये लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, इसे नेशनल या डी वीज़ा भी बोलते हैं, और इसमें यू आर अलाउड टू वर्क इन स्विट्ज़रलैंड। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो ऐसी स्किल जो आपके पास है, आप उसमें एक्सपर्टीज़ है, आपको वर्क एक्सपीरियंस है, वो इम्पॉर्टेंट है। द सेकेंड थिंग इज़ यूनिवर्सिटी डिग्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेशल एक्सपर्टीज़ है किसी भी स्किल में जो कि स्विट्ज़रलैंड को रिक्वायरमेंट है और उनके पास लोग नहीं है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और आपको वर्क मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए स्विट्ज़रलैंड से। द अदर थिंग इज़ इनका एक एनुअल कोटा होता है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क वीज़ा देते हैं, वो उसके अंदर भी फॉल होना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो स्किल स्विट्ज़रलैंड या EU में किसी के पास नहीं है और आपके पास है, तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं वर्क मिलने के। तो ये जो थे जो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, ये इम्पॉर्टेंट थिंग होती है इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ वर्क वीज़ा एंड यू हैव अ जॉब। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि ये जो वर्क वीज़ा है, अगर आपको वर्क मिल गया है तो कैसे आपको अप्लाई करना है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी और आपको कोई ऑफर होना चाहिए स्विट्ज़रलैंड से, ठीक है। द सेकंड थिंग इज़ आपके पास ऐसा हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो कम्प्लीट करना पड़ेगा, अपना जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो, किसके लिए? वर्क वीज़ा के लिए। द थर्ड थिंग इज़ जो स्विट्ज़रलैंड में जिस कंपनी ने आपको जॉब ऑफर किया है वो आपके लिए टेम्प्रेरी रेसिडेंट जो है वो अप्लाई करेगा। एंड द फोर्थ थिंग इज़ आपको वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, एंड देन यू विल गेट अ वीज़ा। जो लास्ट स्टेप है वो है स्विट्ज़रलैंड वर्क वीज़ा, जो कि आपको इंडिया से अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आप स्विट्ज़रलैंड मूव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब आपको जॉब कैसे मिलेगी स्विट्ज़रलैंड में, आई थिंक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो स्विट्ज़रलैंड में जॉब मिलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है लिंक्डइन के थ्रू। आप देख सकते हैं, अपना स्किल सेट चेक कर सकते हैं, और इंग्लिश जॉब्स अगर आपको चाहिए या जर्मन अगर आपको आती है तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली रिक्रूटर्स को जो है वो मेल कर सकते हैं। द अदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके होते हैं वो ये होते हैं कि आप जो लोकल रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं स्विट्ज़रलैंड में, उनसे कॉन्टैक्ट करके भी आप जो है वो जॉब्स पा सकते हैं। उसकी लिस्ट जो है वो इंटरनेशनल लोगों के लिए, लाइक हम लोगों के लिए, वो जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देती हूँ। जस्ट चेक फॉर इट, और आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे स्टेपस्टोन हो गया, मॉन्स्टर हो गया, बट आई वुड से अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो लिंक्डइन जो है वो सबसे अच्छा मेथड है। एंड सेकेंड इज़ जो लोकल रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड कंट्री की, जो कि जर्मनी है। जर्मनी जो है जिसमें मैं रहती हूँ, तो ऑफकोर्स जर्मनी में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस जो है ऑलरेडी मूव कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया। या तो उन्हें डायरेक्टली जॉब मिल रही है इंडिया से, या फिर वो जॉब सीकिंग वीज़ा से यहाँ पर मूव कर रहे हैं, या भी और भी बहुत सारे तरीके हैं उससे मूव कर रहे हैं। तो आज हम उसी तरीके के बारे में बात करेंगे कि आप जर्मनी कैसे मूव कर सकते हैं। एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा अंदेशा है कि जर्मनी जो है वो कनाडा बनने वाला है, और हम भी यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्किल्ड लोग जो हैं वो जर्मनी मूव कर रहे हैं, और अब यहाँ पर इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं देन पहले से, क्योंकि ह्यूज लेबर शॉर्टेज है, प्लस वो जो स्किल सेट की इनको रिक्वायरमेंट है वो इंडिया में जो है वो भर भर के पड़ी हुई है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में हो गई, और भी बहुत सारी फील्ड्स में। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइम पे, बिकॉज लेबर शॉर्टेज है, प्लस ऐसे बहुत सारे इमिग्रेंट फ्रेंडली लॉज जो है जर्मनी निकाल रहा है, जिससे पता चल रहा है कि दे आर वेलकमिंग इमिग्रेंट्स, दे वांट इमिग्रेंट्स, बिकॉज इनके पास लोग नहीं हैं और ये चाहते हैं कि जो स्किल्ड इनको ज़रूरत है वो यहाँ पर आए। जिसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, एक जो बनाया था वो अपॉर्चुनिटी कार्ड, लाइक चैंसन काटे करके जो है वो नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, आप वो अप्लाई कर सकते हो। उसमें
आपके पास जो है वो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, वो एक तरीका है। तो दूसरा तरीका जो है वो जॉब सीकर वीज़ा है। अगर आपको लगता है बहुत कॉन्फिडेंस है, नहीं यार मुझे तो जॉब मिल जाएगी, तो जॉब सीकिंग वीज़ा जो है वो 6 मंथ्स का मिलता है और 6 मंथ्स में आप जर्मनी लाइक मूव कर सकते हैं और उसमें आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका है जो कि बहुत अच्छा तरीका है इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मेरा स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है। और बहुत सारे तरीके में एक तरीका है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा से भी आप मूव कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको जर्मनी आना है और फ्री एजुकेशन करनी है तो आप कैसे प्रिपेयर करो, तो वो भी है। फैमिली रियूनियन वीज़ा से भी आप मूव कर सकते हैं। लैंग्वेज, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है उसका भी वीज़ा होता है, उससे भी आप मूव कर सकते हैं। फ्री लेंसर हैं आप और उसमें आपको मूव करना है तो आप उस पर भी मूव कर सकते हैं। देन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से अगर आपको मूव करना है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके बारे में मैंने एक बहुत ही अच्छी रील बनाई है इंस्टाग्राम पे, उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, तो वो आप देख लो। बाकी जर्मनी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे हैं, तो अगर आप जर्मनी को एज ए देख रहे हैं कि आपको मूव करना है तो आप वो वीडियोज़ जो है वो रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया जो है वो मेरे लिए इसलिए फेवरेट है, पहले मैं कुछ बात बता देती हूँ ऑस्ट्रिया के बारे में, क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी से बहुत ज़्यादा चीप है। वहाँ रहना बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्रीज़ में से एक है यूरोप की। हर जगह बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, नेचर जो है वो बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ ऑफ कोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है क्योंकि ऑस्ट्रिया भी जो है वो ह्यूज लेबर शॉर्टेज इस टाइम पे जो है दे आर फेसिंग। तो अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रिया के कौन से तरीके हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज़। 3 तरीके के वीज़ा ऑस्ट्रिया ऑफर करता है। तो पहला तरीका मैं आपको बता देती हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं रेड वाइट रेड कार्ड के लिए जो कि 24 मंथ्स का होता है और इस ये अलाउ करता है कि आप ऑस्ट्रिया में रह सकते हो और आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी या स्पेसिफिक डोमेन में ही जो है वो काम कर सकते हैं इस टाइम या इस ड्यूरेशन में। द अदर थिंग इज़, जैसा कि जर्मनी में जॉब सीकिंग वीज़ा होता है, सेम ऑस्ट्रिया में भी जॉब सीकिंग वीज़ा होता है जिसका ड्यूरेशन भी 6 मंथ्स का होता है। तो जो 6 मंथ्स है उसमें आप ऑस्ट्रिया मूव कर सकते हो, वहाँ रह सकते हो और जॉब सर्च कर सकते हो। जॉब मिल जाता है तो वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा आपका जॉब सीकिंग वीज़ा वर्क परमिट में। द अदर ऑप्शन इज़, जैसा कि मैंने स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बारे में बताया, आप डायरेक्टली इंडिया से जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्किल सेट पता है और आपको पता है उसकी ऑस्ट्रिया में रिक्वायरमेंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा एम्प्लॉयर, जैसे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उससे आप जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, लाइक वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। एक बार आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप ऑस्ट्रिया मूव कर सकते हो। ऑस्ट्रिया मूव करने के बाद आपको एक स्पेसिफिक टाइम का वीज़ा मिलेगा और अगर आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होगा तो ऑफकोर्स आपका वीज़ा ड्यूरेशन भी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो इसी तरीके से वर्क करती है। एंड अदर देन दैट, स्टूडेंट वीज़ा भी जो है वो एक तरीका है जो कि ऑफकोर्स ऑस्ट्रिया भी जो है वो फ्री पब्लिक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो आप ऑस्ट्रिया में जो है वो एजुकेशन भी कर सकते हो अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा पे मूव करना है। तो ये कुछ तरीके हो गए ऑस्ट्रिया के बारे में अगर आपको इंडिया से ऑस्ट्रिया मूव करना है। तो ये सारे तरीके थे जिससे आप मूव कर सकते हैं स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी या ऑस्ट्रिया में। एक और बहुत ही अच्छा तरीका होता है जो बहुत फास्ट होता है, वो ये आप कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र ले सकते हो। जैसे अगर आपकी कंपनी इंडिया में है और अगर वो स्विट्ज़रलैंड में है तो आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू कैन टेक अ ट्रांसफ़र फ्रॉम देयर टू दिस। तो ये भी एक बहुत ही फास्ट तरीका होता है। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो काम का लगा हो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी अगर आपको मूव करना है फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। और बहुत सारे मैंने रील्स बनाए हैं, क्विक रील्स हैं, अगर आपको यूरोप में कहीं पर मूव करना है तो इंस्टाग्राम पे रेफ़र कर सकते हो। बाकी अगर जर्मन सीखनी है, जो कि मैं आपको बोलूँगी कि आपको सीख लेनी चाहिए अगर आप जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में या ऑस्ट्रिया मूव कर रहे हैं, तो iTalki का जो मैं आपको ऑफ़र दे रही हूँ वो यूज़ करके जस्ट ट्राई इट वंस और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देगा और वीडियो बनाने का। Bye-bye.